कर्नाटक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक स्टेट का प्रेसिडेंट और मेरे साथी जीएम डोल्डी एडवोकेट, हम दोनों मिलके पवार साहब बुलाने के बाद गए थे हम बॉम्बे को। उनके रेसिडेंशियल पर हाउस पर मुलाकात हुई, वहाँ पे सीट शेयरिंग के बारे में डिस्कशन किया गया। जब हमने पूछा तो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट श्री शरद पवार साहब जी ने बताया कि इंडिया संगठन की मीटिंग होने के बाद ही कितने सीट है सो कर्नाटक को अलॉट करेंगे सीट शेयरिंग में एनसीपी के लिए, ये उन्होंने बताया। और उन्होंने ये भी पूछा कि कौन से कौन एरिया में आपको सीट चाहिए। तो हमने कर्नाटक के पूरे 28 सीट की जगह पर हम एक पोटेंशियल कैंडिडेट्स हम देख रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं हमारे नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो जो भी जिसका फैमिली बैकग्राउंड और पॉलिटिकल बैकग्राउंड और स्कारलेस, मतलब किसी का सामाजिक तौर पर किसी चीज़ का धब्बा नहीं रहना चाहिए, टोटली क्लियर क्या पॉलिटिकल करियर वाले को हमने टिकट देने का डिसीजन लिए हैं। हम सर्वे करके जब हमारे हाई कमांड श्री शरद पवार साहब जी को बताने के बाद ही टिकट का फाइनलाइज हो जाएगा। सर कौन से चुनाव के बारे में? लोकसभा के लिए। और इसके साथ ही हम तालुका पंचायत, जिला पंचायत और बीबीएमपी इलेक्शन, ये सब जगह हमारी सीट हम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की जानिब से हमें क्या है हम कॉन्टेस्ट कराएंगे। अभी जो इंडिया गठबंधन है सर, ये सिर्फ एमपी चुनाव में रहेगा पता नहीं, लेकिन अब तो ये इसमें तय हो जाएगा कि आप भोपाल में मीटिंग होने वाली है, आप दो शॉर्टली मीटिंग होने वाली है, वो मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा इंडिया संगठन में। वो होने के बाद हम डिक्लेयर करेंगे कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी से किसको। आप यहाँ पर कितने सीट डालने का सोच रहे हैं पूरे कर्नाटक राज्य में? नहीं, वो सीट शेयरिंग के अंदर सीट डालने का सवाल ही नहीं पता था। हम तो पूरे 28 का ये कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, लेकिन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को कितने सीट वहाँ कांग्रेस से हो ये बातचीत हो जाएगी, उसके मुताबिक चार देंगे या पांच देंगे, कितने सीट होंगे उसके ऊपर हम ये करेंगे डिसीजन लेंगे। क्या सर आप भी चुनाव लड़ने वाले हैं? आप भी? नहीं, मैंने लोकसभा को तो फिलहाल मेरा इरादा नहीं है। कांग्रेस से एमएलए के लिए टिकट मांगा क्या? चार बार क्या है हमारा लास्ट चार असेंबली इलेक्शन में भी मेरा नाम पैनल में गया था, कोशिश किए थे हम, बहरहाल हमारा टिकट कटवाया गया वहाँ पे, तो मजबूर होने के हम कांग्रेस छोड़ दे और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया मैंने। लोकसभा यहाँ तो रिजर्व सीट है, बीजापुर के लिए लोकसभा का सीट तो रिजर्व है, बाकी इसमें तो राज्य अध्यक्ष हैं, लेकिन वहाँ पे अब वहाँ पहले से कैंडिडेट जो हैं पुराने वगैरह देखना है क्या, वहाँ के लोकल सर्वे में मालूम पड़ेगा कि किसका कौन से कैंडिडेट का डिमांड है वहाँ पे, ये सब सर्वे करके हम देंगे। अभी आप सर्वे नहीं किए? सर्वे चल रहा है, हमारे स्टेट लेवल जो ऑफिस बेयरर्स हैं सबको काम दिया गया है, सब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ये करें। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल भी कमिटीज़ बना दिए हैं ऑलरेडी, डिस्ट्रिक्ट नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए हैं, तालुका लेवल भी प्रेसिडेंट बनाए हैं, सब काम पे लगे हैं, वो सर्वे चल रहा है अपने अपने लेवल पे। और हमारे चार पांच जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं लेडीज विंग में क्या, एक लिंगायत कम्युनिटी से, एक वक्कलिया कम्युनिटी से है, एक मुस्लिम कम्युनिटी से है क्या, सब लोग अपने अपने एरिया से डिवीजन वाइज क्या है उन्हें सर्वे कर रहे हैं। क्या जुड़े से भी आपकी कुछ बात हुई है? नहीं, गठबंधन के सिलसिले में? नहीं, जेडीएस इंडिया, मैं समझता हूँ इंडिया संगठन में जेडीएस नहीं है, वो बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं ऑलरेडी, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अभी आपका क्या अगला कदम क्या रहेगा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में? जो जितना सीट शेयरिंग में जो डिसीजन लिया गया वो सीट को हम लाने की कोशिश करेंगे, जो उनको लाने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। तो अभी क्या आप आवाम को आने वाली 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ये नेशनल लेवल पार्टी है और शरद पवार इज ए अनचैलेंज्ड लीडर ऑफ इंडिया,
पूरे हिंदुस्तान के अनचैलेंज लीडर हैं, उनका तो इम्प्रेशन पड़ेगा कि ये जितना दूसरे पार्टियों में घपला है ये पार्टी में तो टोटली नहीं है। चंद लोग नाराज होकर बाहर गए हैं, वो भी आएंगे वापस। बहरहाल वो चल रहा है, हर पार्टी में चलता रहता है ये, कि डिसेंडेंट्स होते हैं, मिलते हैं, चलते रहता हो, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सर अभी सभी पार्टी तो मिलके इंडिया गठबंधन मिलकर चल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा किसका होगा? हम मैं कैसा बता सकता हूँ, ये मीटिंग होने के बाद ही मालूम होगा। अभी फाइनल मीटिंग तो नहीं, सीट शेयरिंग का होने के बाद वो भी उसमें ले आपका इंडिया संगठन में वो डिसीजन लेंगे कि कौन प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा। वो कोई कुछ बताएगा होगा कि मैं नहीं बता सकता हूँ, मेरा हाई कमांड को छोड़ा हुआ है। आपका नाम बताइए सर। जी आपका नाम बताइए सर पूरा। मैं एडवोकेट सी एस इनामदार, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ मैं। और नए न्यूज़ों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV22 न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।